ये लोटस टाइम। और इतनी सर्दी के अंदर माइनस टेम्परेचर के अंदर इससे बेटर और चीज़ क्या हो सकती है। बचपन याद आ गया वाकई में, इतना बढ़िया टेस्ट है ना। ये जो नॉर्मल सीख कबाब मिलते हैं ना उससे डिफरेंट होता है, ये देखो। ये बैंगन है, ये है कद्दू, है कद्दू। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। तो भैया जी कहाँ पर आए हैं पता है? कश्मीर यूनिवर्सिटी, इंडिया का सबसे खूबसूरत कैंपस। अब कैंपस देखो भाई, और जब ऑटम का वो सीजन होता है ना भाई, ऊपर से सिर्फ पत्ते झड़ रहे होते हैं, नीचे बेंच लगे हुए हैं, हल्की हल्की हवा, हाथ में चाय, भाई साहब मतलब इससे बढ़िया सुंदर जगह, खूबसूरत जगह आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। और भाई मीर साहब की चाय जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे, हर एक स्टूडेंट कहते हैं भाई कि दिन पूरा नहीं होता जब तक इनकी हाथ की चाय ना पिए, पेपर में फेल हो सकते हो अगर इनकी चाय ना पिए तो, है ना। तो आज हम भी ट्राई करते और देखते हैं भाई कि कैसा टेस्ट है। कितना टाइम, कितना साल हो गया? 17 साल। ओहो, और क्या वजह है इधर की इतनी चाय, इधर की क्यों फेमस है इतनी ज्यादा? हाँ, स्टूडेंट्स के बीच में ये स्टूडेंट्स से पूछो। मैं खुद जब यहाँ पढ़ता था मैं तो हमेशा पीता था। हाँ। आप बताओ ना आपकी ये सीक्रेट रेसिपी क्या है? सीक्रेट क्या है? मसाला डालता है। अच्छा। हाँ, और ये चाय अच्छी बनती है, प्यार से पिलाते हैं स्टूडेंट्स को, अच्छी अच्छी लगती है। चाय लेते हैं और आनंद लेते हैं इस जगह का। चाय तो ये देखो भाई साहब, सैंडविच मेरा आ चुका है, कश्मीरी ब्रेड में लिपटा हुआ सैंडविच। और इतनी सर्दी के अंदर माइनस टेम्परेचर के अंदर इससे बेटर और चीज़ क्या हो सकती है। खुद तो कभी कॉलेज गया नहीं पर यहाँ आ गया। वाह भाई, कहना पड़ेगा मीर साहब के हाथ में जादू है भाई। टैग करो अपने बैचमेट को जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ा है या यहाँ से पास आउट हुआ है। वाकई में ऑसम टेस्ट है, सीरियसली कभी यहाँ पे आए इसे ट्राई ज़रूर करना। तो भैया जी मीर साहब की चाय तो पी ली हमने, बट एक चीज़ ऐसी भी है इस कैंटीन के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि मिस नहीं कर सकते, वो है जी मुश्ताक जी का कांती। कांती ये एक्चुअली क्या है, क्या ये क्या होता, क्या है ये? मैं काफ़ी मैंने सुना है मतलब कि यहाँ के स्टूडेंट से कि बोनलेस चिकन। अच्छा, बोनलेस चिकन है ये, फ्राइड विद ऑनियन। अच्छा, सो इट्स लाइक अ चिकन 65? नो नो, दैट्स चिकन 65 इज डिफरेंट फ्रॉम चिकन कांती। ओके, ये कितना साल पुराना है ये? ये तो राइट फ्रॉम 40 से चल रहा है ये चिकन कांती। ओके, तो हम चिकन कांती खाते हैं और आपको बताते हैं भाई एक्चुअली में वो क्या है, कैसा टेस्ट है, क्योंकि पहली बार हम खा रहे हैं और कश्मीर यूनिवर्सिटी में आए हैं, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी में, तो फिर खाना भी खूबसूरत होना चाहिए। तो ये देखिए भाई साहब, ये आ गई है द मोस्ट वांटेड, सीरियसली द मोस्ट वांटेड कांती। ये एक इवनिंग स्नैक्स है जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया से लिया है। और ये देखो भाई इसके अंदर क्या है, एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये चिकन है इसके अंदर, फ्राइड अनियंस है, कैप्सिकम है। तो इट्स लाइक अ लाइक दिल्ली वालों की भाषा में बोलूँ तो ये चिली चिकन टाइप लग रहा है ना, बट ये चिली चिकन नहीं है एक्चुअली में। इसको करते हैं टेस्ट, ये इवनिंग स्नैक्स है। और मैं अगर आपको मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 110 रुपये का है, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फेमस है ये प्लेस और ये चीज़। बहुत बढ़िया, ये चटनी तो मतलब लगता है पूरे कश्मीर में मिलती है चटनी। और ये वाकई में टेस्ट बहुत बढ़िया है, 110 रुपये है। टैग करो उस दोस्त को जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या पास आउट हुआ यहाँ से और वो इस कांती को मिस कर रहा है। चेयर्स, चलते हैं कहीं और, ढूंढते हैं कश्मीर में और क्या क्या है। क्या आपने कभी नद्रू की सब्ज़ी खाई है, मतलब लोटस टाइम की? जी हाँ खाई है ना, मुझे पता सब ने खाई है।
बट क्या आपने कभी देखा उसकी खेती कैसे होती है? आज हम कश्मीर में आपको वो दिखाने वाले हैं कि नदरू की खेती कैसे होती है। चलिए से देखो भाई, ये है भाई असली एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं भाई कश्मीर का। इससे बढ़िया एक्सपीरियंस आप और क्या लोगे? तो भाई ये देख रहे हैं, देख मन्नी, ये पूरी लोटस दाएं और बाएं यहाँ पे है। हाँ, पूरा सब्जियां खेती है। अच्छा, आप लोग खाते हैं पालक और पनीर। हाँ, खाते हैं साग और पनीर। हाँ, ये पूरा साग है यहाँ पे। अच्छा, साग भी है, पूरा साग की खेती, साग वाला भी खेती है यहाँ पे। वाह भाई, अभी हम देखेंगे नदरू की। हाँ, नदरू की, नदरू जिसको बोलते हैं, नदरू जिसे कहते हैं ना लोटस टाइम, लोटस रूट्स भी यहाँ पे निकलते हैं। ये देखो भाई, ये आर ए एम पास में लोटस रूट्स की जहाँ पे खेती हो रही है, जहाँ से लोटस टाइम निकलता है, जिसकी अभी हम ऑलमोस्ट इन फार्मों इसके पास पहुँच गए हैं। तो ये दिखाएंगे हमें कैसे निकलती है। तो ये देख लीजिए आप, ये जो जितने भी इन्होंने जमा किए हुए हैं सुबह से लोटस, तो अब इनकी घड़ियां बना रहे हैं जो कि सुबह फिर ये वेजिटेबल मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे। ओके, तो अभी और निकाल रहे हो ये? देखिए ये अंकल, ये जो अंकल है बहुत बहुत ज्यादा प्यारे और बहुत ज्यादा सपोर्टिव है हमें दिखाने के लिए। ये अभी हमें दिखाएंगे कि निकलता कैसे ये नदरू पानी से। ये देखो भाई, तो ये देखिए इनके पास ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये नीचे पानी के नीचे जो जमीन है उसको खोद रहे हैं। तो अंकल कितने साल से निकाल रहे हो? लोटस स्टेम, ये देखिए लोटस स्टेम, नदरू कैसे निकला पानी में से। नदरू का शिकार, लोटस रूट है, ये रूट है, है तो स्टैम्प भी ना, बोलते हैं नदरू, नदरू ही बोलते हैं, नदरू की खेती ना। अंकल कूद काल को तय काम कर रहा है, कितना कितने टाइम से पूरे मैक्सिमम को 10 को, फिर भी कितने टाइम से काम कर रहे हो? 55 साल, 55 years। ये देखो, ये देखो भाई साहब, मतलब अंकल आप मेरे साथ चलो मैं मछली पकड़ने। अगर अंकल के साथ हम मछली पकड़ने जाएंगे हम ऑलमोस्ट मुझे लगता है पूरा दिन मछली पकड़ते रहेंगे। सही है भाई, मतलब बंदा मतलब नीचे दिख नहीं रहा गाइस, देखो क्या ये इसका रोज का काम है, नीचे दिख नहीं रहा है बट जब हाँ जब ये हाथ से नीचे मार रहे हैं ना, इसे खोद रहे हैं, तो इनको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो पूरी रूट निकाल दी, पूरी रूट निकाल दी। ये देखो ये बहुत बड़ा वाला, ये है भाई, ओहो अंदर से कैसा होता है, बहुत बढ़िया ना, बहुत शुक्रिया, दिखा ना। ये देखिए, ये देखो पूरा एक गड्डी बना रहे हैं, पूरा एक गड्डी ये ऐसे बना दिया है। और ये कितना किलो होगा? ये कम से कम 4-5 किलो है ये, है ना? कितना? 2 kg। ये 500 रुपए है ना? नहीं नहीं नहीं, 250 रुपए किलो हुआ ना? ओ भाई साहब, ये देखो, ओहो क्या चीज है यार, नदरू की एक गड्डी देख रहे हैं, ये 1 kg की है और ये बिकता है 250 रुपए kg, फ्रेश फ्रॉम निगीन लेक। और एक चीज और कि सुबह 5 बजे जो वेजिटेबल मार्केट लगता है ना, वो यहीं पर ही मिलता है, वो यही मिलेगा ऐसा ही फ्रेश मिलता। तो अंकल रोज का कितना किलो निकाल लेते हो अंदाजा? कितना? 20 गुच्छा। सुबह कितने बजे आते हो आप? हाँ ये तो गुच्छी तो 2 किलो का है ना, तो 40 किलो हो गया। फ्रेश भुट्टे भुन रहे हैं, वो भी लकड़ की आंच पे, आप देख सकते हो। कहाँ पर भाई, कौन सी जगह पर रहे हैं? मकई पॉइंट, मकई पॉइंट है ये, घाट नंबर 23, घाट नंबर 23 के जस्ट सामने है, आपको दिख जाएगा ये फ्रेश कॉर्न। इसको बढ़िया से भुना जा रहा है आग में, ये देखो। कितने बजे आते हो भैया? आज तो वैसे तो हम 10 बजे शुरू करते हैं, आज तो लेट ही होता है, एकदम गर्म है, मन नहीं देख रहा है, सुपर गुड। ये देखो ये और फ्रेश, और फ्रेश डाले जा रहे हैं। ये मसाला, नींबू भी लगाते हो? हाँ जी। ये देखो भाई, दिल्ली में भी मिलता है बट ऐसे लक्कड़ में नहीं भुनते, वो कोयले में भुनते हैं। ये देखो ये लग रहा है मसाला भाई, बचपन के दिन याद आ गए सीरियसली, पहले दिल्ली में हम बचपन में खाते थे ये, बट भाई मतलब अगर आप कश्मीर आ रहे हो, श्रीनगर आ रहे हो, तो मकई पॉइंट आना बनता है बॉस। ये देखो फ्रेश आपके सामने भुन रहे हैं, लक्कड़ की आँच पर भुनते जाते हैं, सेम एग्जैक्टली सेम ऐसे ही। हाँ यही ऐसे ही मिलता था दिल्ली में। ये देखो भाई, ये जो पॉइंट है ना एक्चुअली में, ये पूरा बारबेक्यू वाला, जैसे कहते हैं बारबेक्यू वगैरह बनते एकदम फ्रेश एकदम लाइव, ये वो वाला पॉइंट है। आप देख सकते हो गाड़ियाँ सारी, गाड़ी में बैठ के फैमिली इंजॉय करती है, एकदम बढ़िया लक्कड़ में पका हुआ गर्मा गर्म, -2 degree टेम्परेचर, -2-3 चल रहा है इस टाइम श्रीनगर में। अब चलते हैं आपको दिखाते हैं बारबेक्यू,
जो कि ये स्पॉट, ये जो पुराने देख रहे, ये धुआं निकल रहा है, ये स्मोकी फ्लेवर्स। ओहो, आप चलते हैं, खाते हैं कुछ नॉनवेज और वो दिखाते हैं आपको बढ़िया सा। और आज का दिन हमारा पूरा फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कल का दिन दोबारा दिखाएंगे, पर पहले वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हम नॉनवेज खाने वाले हैं। तो भैया जी, अब हम आए हैं अपनी आज की लास्ट जगह पे, बारबेक्यू हेवन। जी हाँ, हेवन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरी रोड भरी हुई है बारबेक्यू से। खयाम जगह का नाम है खयाम। और अब ये देखो भाई, ये है भाई, ये चटनी है, ये देखो, ये हो रहा है बारबेक्यू। ये कश्मीरी कबाब है ना, इसे कश्मीरी कबाब कहते हैं। नॉर्मली कितना बड़ा है, कितना बड़ा है भाई, देख रहे हो कितना बड़ा है। ये जो नॉर्मल सीख कबाब मिलते हैं ना, उससे डिफरेंट होता है। ये देखो, इसके ऊपर ऑयल लगाया जा रहा है। 90 रुपये का आता है ये वाला, 220 रुपया। ये देखो भाई, ये आ गया भाई मेरा कश्मीरी कबाब। और ये 6 तरीके चटनी, 1 2 3 4 5 छः तरीके का चटनी, इसको सबको मिक्स करके। कहाँ पे आए हैं, सालिब रेस्टोरेंट, जो कि भाई बहुत ही फेमस है अपने तुज के लिए। और वाकई में मतलब खुशबू इतना बढ़िया आ रहा था कि रहा नहीं जा रहा, तो लेट मी ट्राई दिस। भाई बारबेक्यू के नाम पे ना हेवन है, हेवन सीरियसली। कभी भी आप यहाँ पे आए ना, तो खयाम आना और ये चीज़ें ट्राई करना। आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में।